वेलकम बैक टू माई चैनल एंड करेंटली वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द अर्मोनियाज विला. सो इन माई लास्ट व्लॉग, इफ यू हैव नॉट चेक, प्लीज डू चेक आउट, इट वॉज अमेजिंग कॉन्टेंट देयर. सो वी वर स्टेइंग एट द ओशियानिस लग्जरी स्वीट्स इन द किप्सेली एंड फॉर टू गुड डेज एंड वी हैड अमेजिंग टाइम ओवर देयर. निकोलास वॉज रियली नाइस एंड नाउ वी हैव चेक्ड आउट देयर एंड वी आर चेकिंग इन टू द अर्मोनियाज विला. And here we will stay for 4 full nights. So yes, let me give you the tour. And this video is only going to be about the Armonia Villa tour. So come on, let's get into it. So this is the entry of the Armonia Villa. And follow me for our whole individual villa, which you can see in the background. So this entire villa is for two people. That is me and my husband Arpit. एंड आई नो वी आज द ओनर दैट कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ दो लोग रुके हैं यहाँ पे आके. सो ही वॉज लाइक यू गाइज आर दी ओनली वन, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 6 लोग आके रुकते हैं. बट पता नहीं, वी वेंट क्रेजी वाइल बुकिंग. सो कम ऑन, लेट्स शो यू, दिस इज द एंट्री अवे की 3. सो एंट्रेंस एंड वेन यू एंटर टूवर्ड्स द राइट यू हैव द washroom and this one bedroom which is cute and it has some storage area. Yahan pe aap store kar sakte ho samaan. Then here it is the kitchen, dining, fridge and everything, all the setup is there. Window se acha nazara dikhta hai. Okay, and then there is the balcony. ये बालकनी है और इस बालकनी में सुंदर नजारे हैं. यहाँ पे अच्छे से आप बैठ सकते हो. अभी यही वाला दिखाओ. तो यहाँ से माउंटेन भी है एंड अगेन वन मोर ब्रेकफास्ट मेनू आई गेस. तो यहाँ पे आप बढ़िया ब्रेकफास्ट कर सकते हो नीचे उतर कर. चल, बिफोर वी गो इन टू द अदर सेक्शन, लेट मी शो यू द आउटर एरिया, क्योंकि फिर मुझे वापस यहाँ आना पड़ेगा. तो ये स्पेस है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो. बट हम जा रहे हैं नीचे टूवर्ड द स्विमिंग पूल. ओके गाइस, सो ये है हमारा पर्सनल गार्डन वेयर इन यू कैन डू द बारबेक्यू. दिस इज द बारबेक्यू सेंटर. आज वेदर इज नॉट दैट गुड, सो वी विल डू द बारबेक्यू टुमारो मे बी. यहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सकते हो. ओके, देन this is the pool, nice big pool. Make sure you can face it. The sun bed, ye hamare ghar ka view idhar. Okay, aur let's go here. मुझे पता है मैं यहाँ पे बहुत सारी इंस्टा रील्स बनाने वाली हूँ बिकॉज ऑफ द अमेजिंग एंड ह्यूज लोकेशन. एंड अगेन वन मोर सिटिंग अरेंजमेंट, एंजॉय यहाँ पे व्यू देखो यहाँ कितना सुंदर है. क्लिफ्स, माउंटेन, बीच, रॉक्स, एवरीथिंग. फिर हम चलते हैं हमारे प्राइवेट बीच पार्ट पे. एंड गाइस, इंटरेस्टिंग पार्ट इज बगल वाला विला खाली है. सो ही टोल्ड अस कि इफ यू वांट यू कैन यूज दिस आल्सो, बट चुम तो ये वाला भी यूज कर सकते हो. बट हमारा ऑलरेडी इतना बड़ा घर है कि हमें शायद जरूरत ही नहीं है. यहाँ से बीच सेक्शन है. दिस इज क्यूट, यू कैन सिट एंड एंजॉय.
इधर यार। Enjoy the sun. Then let's go to watch the beach. Be careful. उधर से एक्चुअल रास्ता। उसने बोला कि अपने रिस्क पे जाना क्योंकि बहुत रॉकी है। अभी जाना है तुम्हें एकदम नीचे तक पकड़ा भी हो क्या सब थोड़ी देर पहले का गंदा मौसम था। यहाँ पर टर्टल और सील भी स्पॉट किया है कुछ लोगों ने। तो कल जब हम स्नॉर्कलिंग करेंगे या मे बी आज, लेट्स सी व्हाट वी विल स्पॉट। द ओनली थिंग इज इट्स वेरी रॉकी। पानी कितना ब्लू है यार। बहुत रॉकी। चलो हमारा कैमरा मैन माय क्यूटी पाई। सो लेट्स गो अप क्योंकि स्नॉर्कलिंग अभी नहीं करनी यार, मुझे भी स्पॉट करना है। और बेस्ट पार्ट इज कि कल ही रात में जाकर मैंने वाटर प्रूफ कैमरा कवर भी खरीद लिया और वाटर शूज़ भी ले लिए सो दैट आई कैन स्पॉट द फिशेज एंड आई कैन कैप्चर द वीडियो। क्योंकि दो दिन से मुझे दिख रही हैं बट मैं कुछ कर नहीं पाई एज सच कि मैं उसको शूट कर पाती। सो या रेस्ट ऑफ द हाउस आई शो यू इन अ व्हाइल। अभी रियलाइज हो रहा है बहुत बड़ा घर है यार। सो या अभी नीचे का ड्राइंग रूम बचता है, ऊपर वाले रूम्स बचते हैं। सो आई शो यू दैट। Come on, Arpit. वही तो है हमारा मेन भाई मास्टर बेडरूम। अजीब पागल, ये नीचे का हॉल है। गाइस ये कभी बड़े घर में रही नहीं है तो इसीलिए इनको ओशियानस में बहुत मजा आ रहा था। ये भी ले रहे हैं, पहली बार हम विला का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। ओ व्यू वेरी प्रीटी। ये कॉफी पिला दोगी बेकरी के बाद। सो यस कमिंग बैक टू द किचन, हियर इज द लिविंग एरिया। ये है बालकनी। फ्रॉम देयर अगेन यू कैन सी दैट व्यू। ओके चाय
अच्छी चीज़ इस घर की है कि यहाँ पे बहुत वेंटिलेशन अच्छा है एंड यू कैन ओपन द विंडोज एंड पुट ऑन दिस जाली सो दैट मच्छर अच्छा ना आए इंसेक्ट्स ना। अब चलते हैं ऊपर। This is another toilet. This is the twin bedroom. Basically, बच्चों के लिए, but हमारे पास नहीं है बच्चे. Yeah. कैसे बोलता है ये? हम्म. तो मैं करना पड़ेगा. ओह इनसे भी नहीं हो पा रहा गाइस. हो गया इनसे. ये हमारी बालकनी अगेन विद द सन बेड अगेन विद द ब्यूटीफुल व्यू। मैं भी खड़े होके करना चाहूंगी। ओके नाइस व्यू फ्रॉम द बालकनी। हर रूम में बालकनी है यार, इतना इतना एरिया कौन देता है। Okay, good. Now we are going to the another bedroom, which is our master bedroom. और यहाँ पे भी सुंदर सा व्यू, इधर भी व्यू ही व्यू है, विंडोज ही विंडोज है। You cannot miss the ocean from any angle if you are staying at Almonia Villas. Okay, and of course one more balcony. It comes with every room, right, Arpit? क्या कहना चाहोगे यहाँ के बारे में तुम? Very nice, बहुत ही जबरदस्त है यार, मुझे तो बहुत ही मजा आया। हम्म। बस एक कॉफी को पिला दे तो और ही मजा आ जाएगा। वो तो आएगा, but अभी हम दोनों ना यही बात कर रहे थे कि जितने भी घरों पे हम रुकने वाले हैं उसके बारे में हम लास्ट में एकदम बताएंगे 1, 2, 3 and 4 also क्योंकि चार जगह रुके बेसिकली। So, yeah, this is it, guys. This is the beautiful Almonia Villa, and I am sure इतने बड़े घर में चार दिन रुकने वाले हैं, so we gonna create some amazing content. So do check out my Instagram 025 Swati Saxena for the amazing reels and IGTV videos which I am creating in my whole Greece trip, and also follow my channel and keep loving it. Okay guys, and I'm not gonna lengthen my whole video with another content. Isme sirf main tour dikhana chahti thi, so this is it. I'll see you guys super soon in my next video. Till then, take care, love you, bye bye.